A ball is dropped from a building of height 45 meter. Simultaneously, another ball is thrown up with a velocity 40 meter per second. Calculate the relative speed of the balls as a function of time. एक 40 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, यह मान लो हमारी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल, रेड बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया और दूसरी बॉल, मान लो ग्रीन बॉल लेता हूं मैं, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। इसकी स्पीड दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालनी है, दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालनी है। बिल्डिंग की हाइट भी दी हुई है 45 मीटर्स, ठीक है। तो यदि रेड वाले को बॉल वन मानते हैं एंड इसको बॉल टू मानते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल वन क्या दी हुई है? जीरो। वेलोसिटी ऑफ बॉल टू क्या दी हुई है? 40 मीटर पर सेकेंड। देखो, जैसे ही मैंने वेलोसिटी ऑफ बॉल टू 40 मीटर पर सेकेंड लिखा, हमने यह तय कर दिया कि अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे ही ये लिखा, यह तय हो गया ना। और बॉल हमें चाहिए क्या? वी वन विथ रिस्पेक्ट टू टू चाहिए, जो कि वी वन माइनस वी टू होगा, जो कि कितना हो जाएगा? जीरो माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसा रिलेटिव वेलोसिटी बॉल वन की बॉल टू के रिस्पेक्ट में हमें मिल गई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वेट वेट वेट, इतना भी सिंपल नहीं था। ये हमें मिला है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे मिला है। जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा, इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगा। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, होगी ना? तब तो ये बदल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी बदल जाएगा। क्या लग रहा है, सोचो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? इसमें जी लगेगा, इसमें भी जी लगेगा, तो जी का डायरेक्शन क्या होने वाला है? जी इज इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नीचे का डायरेक्शन हमारा नेगेटिव है, तो जी इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती चली जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन काम कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। चलो इक्वेशन भी लगा के देख लो। वी वन माइनस जी टी होना चाहिए यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी वी वन माइनस जी टी, इसकी वेलोसिटी वी टू माइनस जी टी। तो वी वन माइनस वी टू अब करेंगे तो क्या आएगा? At any time, V1 with respect to 2 is equal to V1, जो कि है 0 minus G into T minus 40 minus G into T. ये minus G into T, यहाँ पे plus G into T cancel हो जाएगा, is equal to minus 40 meter per second. ये तो किसी भी time की velocity निकली थी, सिर्फ time 0 की नहीं थी, ये सोचना था। कैलकुलेट करने के पहले ही यह सब कुछ समझ लेना था। अब समझ में आ रहा है? चलो यहां तक तो समझ में आ रहा है। बट ये बॉल जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये बॉल जो नीचे की तरफ जा रहा है, यहां पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जैसे ही बॉल वन ग्राउंड को टच करेगा, यहां पे जैसे ही ये टच करेगा, वी वन फाइनल क्या हो जाएगा? जीरो। इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यह कब होने वाला है? कब होने वाला है? 45 मीटर्स का डिस्टेंस तय करना है। दिस विल हैपन व्हेन 45 इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो यह कंडीशन जो है, वी वन विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू माइनस 40 मीटर पर सेकेंड, दिस इज ओनली अप टू टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। आफ्टर टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड क्या होगा?
आफ्टर टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ टू क्या होने वाला है 40 - 10 × 3 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या होगा वी वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू 0 - 10 - GT फिर से लगाना है। ठीक है, 10 - 10 + G × T ये रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर 3 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग को ये मिलेगी। उसके बाद भी कुछ होने वाला है क्या? ऑफ कोर्स उसके बाद भी होगा। जब यह बॉल नीचे पहुंच जाएगा, जब यह ब्लू बॉल भी नीचे पहुंच जाएगा, सेकेंड बॉल भी जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों रेस्ट पे होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। ये बॉल नीचे कब पहुंचेगा ये निकालना, नीचे कब पहुंचेगा, सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम लोग। देखो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसको नीचे की तरफ -45 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। -45 = 40t - ½ GT² 1/2 × 10 × T² कैंसिल करा दो, यहाँ पे 5 आएगा, फिर से कैंसिल करा दो, यह 8 आएगा, यह 9 आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया है T² - 8T - 9 = 0। दिस इंप्लाइज T - 9 T + 1 = 0, यानी कि T की वैल्यू 9 सेकेंड्स। तो आफ्टर T इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स, मैं यहीं पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, आफ्टर T इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू 0। तीन अलग अलग वेलोसिटीज आ गई और इसको कॉम्बाइन करके इस तरह से लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड फॉर T < 3 सेकेंड्स। दिस इज इक्वल टू -10 + G × T for T is less than 8 and relative velocity is equal to 0 for T is greater than 8। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन में कितना कुछ पूछा गया था, देखने में तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था लेकिन इस क्वेश्चन में इतना कुछ छुपा हुआ था। ओके, थैंक यू।